ar-Rahim. Welcome to online classes from the platform of Shah Rukhni Alam College of Health Sciences, Multan. Dear students, I'm Dr. Shiza and I'm here to present the lecture on pharmaceutics. As you know that we have start, uh, started our fifth chapter and in that chapter we have covered our to two topics, surface tension and viscosity. टू डेज़ आवर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ आयनाइजेशन बिफोर स्टार्टिंग आयनाइजेशन आई हैव टू से समथिंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन ठीक है इस लेक्चर के एंड पे जो है वो आपने जो एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है इसलिए आप स्टार्ट से एंड तक जो है लेक्चर को ग़ौर से सुनेंगे और इसे समझेंगे ठीक है दो दो दफ़ा भी अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो लास्ट में जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे सकोगे आइनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ टर्म्स हम केमिस्ट्री की समझ लेंगे उसमें आ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैंने आपको पहले क्लास में भी समझाई हैं उसे हम रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि जो एंड पे क्वेश्चन है या एज फॉर्म ऑफ टेस्ट है वो आप सॉल्व कर सको आयन इस प्रेजेंटेशन में हम कंसंट्रेट करेंगे आयन से क्योंकि आइनाइजेशन जो वर्ड है ये जो आइनाइजेशन वर्ड है ये किससे निकला है आइन से निकला है तो आइन किस तरह से बनता है हाउ एन आइन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नेचर ए नेचर में कुदरती तौर पे एक आयन जो है किसे कहते हैं इसको हमने स्टडी करना है तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स से फेमिलियर हो लेते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से एटम क्या होता है वट इज़ एन ऐटम इट इज़ अ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की टर्म्स हैं ये आप लोगों ने आप लोगों में से जिन चीज़ ने केमिस्ट्री पढ़ी है उससे जो है वो इन चीज़ों का पता होगा वो इन चीज़ों से फेमिलियर होगा तो वट इज़ एन ऐटम एटम क्या होता है एटम इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी और अ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट एटम क्या होता है एटम एक न्यूट्रल एंटिटी है न्यूट्रल मीन्स के हमारे पास नेचर में दो चार्ज हैं एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम हैज़ नो चार्ज ऑन इट बिकॉज एटम एटम इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी और अ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द नेचर पे अगर केमिस्ट्री में डिस्कस करें तो हम जो है हमारे पास सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज एटम इस केस में इस प्रेजेंटेशन में हम एटम्स के भी जो है वो डिवीजन करेंगे कि एटम किस चीज़ से बना हुआ है हम यहाँ पे ये ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ एन एटम इज फॉर्म्ड एक एटम जो है वो कैसे बनता है लाइक like क्लास में मैंने आपको एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड का बताया था कि एटम अगर मिलते हैं तो क्या बनता है एक मॉलिक्यूल बनता है तो अब हम ये देखेंगे कि एक ऐटम जो है वो किससे बनता है हाउ एन ऐटम इज़ प्रोड्यूस्ड या हाउ एन एटम इज़ फॉर्म्ड एक एटम जो है वो किस तरह किन की चीज़ों से बना होता है या कैसे बना होता है तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन में आपने क्या देखा है कि एटम इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी और अ पार्टिकल आप इसे पार्टिकल भी कह सकते हो दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट जिस पे कोई चार्ज नहीं होता ठीक है फोकस आपने क्या करना है कि उस पे एटम पे कोई चार्ज नहीं है लाइक like आप ये एग्ज़ाम्पल्स में क्या क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम क्लोरीन सोडियम इसी तरह से हमारे पास जिंक हो गया और फॉसफोरस ठीक है और इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं नियॉन गैस है जीन ऑन गैस है इसके अलावा आयोडीन हो गया आयोडीन भी हमारे पास क्या है एक एटम एक एलिमेंट है जो कि नेचरली नेचुरली पाया जाता है नेचर में पाया जाता है तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गई एटम की जिसमें से मेन मेन जो मैंने यहाँ पे कंसिडर uh, किया है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम क्लोरीन एंड सोडियम ठीक है अब हम इन एटम्स के नेक्स्ट uh, जो हम स्टडी करेंगे पहले हम करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एटम्स जो हैं सॉरी ये एटम्स मिलके क्या क्या बना सकते हैं लाइक like मॉलिक्यूल बना सकते हैं कंपाउंड बना सकते हैं क्या बना सकते हैं तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ये आपको पहले एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि मैंने आपको कहा है कि अब हमने ये देखना है कि एटम किस चीज़ से बना हुआ है हाउ एन एटम इज़ फॉर्म्ड तो एटम में क्या क्या है ये आपको एटम नजर आ रहा है एक एटम है ये इसमें आप कोई भी कंसिडर कर लो इसमें आप हाइड्रोजन क्योंकि सिंपल एटम है सबसे सिंपलेस्ट एटम है तो इसमें आप ये कैल्शियम कंसिडर कर लो या कोई भी एटम कंसिडर कर लो किसी भी एटम में सबसे पहले क्या होगा मिड में क्या होगा न्यूक्लियस होगा दैट इज़ मिड में जो है वो न्यूक्लियस है इसका ये जो आपको सर्कुलर में नज़र आ रहा है ये क्या है इसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या क्या अब न्यूक्लियस जो है किसी भी सेंटर uh, जो होता है किसी भी मरकज जिसे आप उर्दू में कह लो कि एटम का जो होता है दैट इज़ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है ये जो दो आरोज आपको नजर दो डॉटेड लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें क्या क्या है एटम के न्यूक्लियस में दैट इज़ प्रोटॉन्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाई रेड सर्कल्स और रेड पार्टिकल्स एंड द सेकेंड वन आर दिस डॉटेड लाइन दैट इज़ न्यूट्रॉन्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ब्लू पार्टिकल्स ठीक है न्यूट्रॉन्स को ब्लू पार्टिकल्स से रिप्रेजेंट किया गया प्रोटॉन्स को uh, जो है वो रेड पार्टिकल ऑरेंज पार्टिकल से प्रेजेंट किया गया है न्यूक्लियस में ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स को किस रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रॉन्स को रेड पार्टिकल से नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हम इन जो है पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं डॉट्स बने हुए हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्यों कह रहे हैं और ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का होम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का घर होता है ये अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने घर में अपने ऑर्बिट में जो है वो न्यूक्लियस के गिरद घूमता रहेगा ठीक है सर्कुलर वे में ऑर्बिटल वे में तो इसे रोटेटिंग सिंपल सिंपल रोटेशन नहीं कहते इसे हम स्पिनिंग कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इस पर, इस जो है डायग्राम से आपको क्या नजर आ रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनाइटम कौन कौन से हैं प्रोटॉन सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन सो दिस वन इज प्रोटोन द ऑरेंज वन न्यूट्रॉन द ब्लू वन एंड इलेक्ट्रॉन द रेड वन प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम प्रोटोन क्या होता है अब हम इसे सेपरेटली जो है इन तीनों को सेपरेटली जो है वो आ, पढ़ लेते हैं कि प्रोटोन क्या होता है वट इज प्रोटोन प्रोटोन इज पार्ट ऑफ एन एटम ये जो है एटम का मेन पार्ट है अब आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन नजर नहीं आ रहा बल्कि आपको जो है तीनों चीजें नजर आ रही हैं द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड ऑफ फाउंड इन एन एटम इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ये क्या है प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि किसी भी न्यूक्लियस के एटम में पाया जाता है ये जो रेड में आपको और पॉजिटिव निशान भी प्लस का नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रोटॉन इसे हम क्या कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं ठीक है थीके? तो इसमें ये जो डायग्राम है इसमें ये जो ऑरेंज ऑरेंज औरीं डॉट्स हैं और प्रोटॉन लिखा हुआ है इसका क्या मकसद है कि एक एटम में प्रोटॉन होता है जिसपे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज ये जो आपको प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल और इट इज इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल विद नो चार्ज ऑन इट ठीक है तो इसमें भी आपको एक एटम नज़र आ रहा है इसमें भी आपको एक एटम नज़र आ रहा था ठीक है जिसमें कि अगेन यहाँ पे मिड uh, में जो है वो न्यूक्लियस था और साइड्स पे जो है वो इलेक्ट्रॉन और उनका ऑर्बिट्स थे या उनका समझ लें घर थे जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन का होम है तो ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट होम हो गया ये इलेक्ट्रॉन का सेकेंड होम हो गया तो ये एक एटम की पिक है इसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या हैं प्रोटॉन्स है। इसी तरह ये भी एक एटम की पिक है आप इसे सिर्फ न्यूट्रॉन ही कंसिडर करोगे ये न्यूक्लियस होगा ये न्यूक्लियस हो गया ये ऑर्बिट हो गया ऑर्बिट में ऑलवेज क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स या आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज अगेन क्या हो गए प्रोटॉन लेकिन हम यहाँ पे क्या कंसीडर करें न्यूट्रॉन को तो न्यूट्रॉन क्या है ये जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है और इस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है तो इट इज द न्यूट्रल पार्टिकल विद नो चार्ज ऑन इट यानी इस पे कोई चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऑफ़ एन आइटम दैट स्पिन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम अभी जो मैं बात करी थी कि स्पिन इलेक्ट्रॉन जो है अपने घर में स्पिन करता रहता है रोटेट नहीं करता घूमता नहीं है लाइक जिस तरह से हमारे पास मेन एग्जाम्पल है कि आ, स, हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिरद इन द स सोलर सिस्टम जो है वो सूरज के गिरद घूमती है उसी मॉडल को आप जो है वो कंसिडर वैसे कर सकते हो कि आ, हमारी आ, जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी घूमती है रोटेट करती है और अपने एक्सिस पे भी स्पिन करती है इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या था पॉजिटिवली चार्ज इसमें प्रोटॉन्स और नो विद नो चार्ज न्यूट्रॉन्स थे ठीक है तो ये न्यूक्लियस हो गया अगेन किसी भी एटम का अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे तो ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो है वो पहला घर हो गया फर्स्ट होम हो गया ये इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट कहते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट में यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है सेकेंड जो इस न्यूक्लियस के बाद आ रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब अगर हर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन किसी एटम को हाइड्रोजन किसी को ऑक्सीजन किसी को कैल्शियम किसी को क्लोरीन किसी को सोडियम क्यों कह रहे हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है हाइड्रोजन के अपने हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए ये जो हाइड्रोजन जो है वो आ, इस पर जो है इस पर जो है कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन uh, में वन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन ठीक है तो इसी तरह ऑक्सीजन में जब हम देखते हैं ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन uh, जो हैं वो हाइड्रोजन uh, के एटम से वेरी करते हैं और ये वेरिएशन जो है किसी भी uh, uh, एटम को दूसरे एटम से डिफरेंट बनाती है हालांकि हर एटम किससे बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो ये क्या है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ऑब्वियसली वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है पहले भी मैं वाटर के मॉलिक्यूल की जो है वो एग्जांपल देती होती हूँ आपको मॉलिक्यूल क्या होता है मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स तो पहले मैंने आपको वाटर की जो है वो एग्ज़ैम्पल दी हुई थी वाटर की एग्जाम्पल दी हुई थी ठीक है तो वाटर uh, की एग्जाम्पल में क्या होता है कि एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है और दो हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोजन आइटम होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन आइटम के जो मिड में पर्पल से शो की हुआ हुआ है ये क्या है इसका न्यूक्लियस है और जहाँ पे ओ लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया और ये पर्पल वाला जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा तो हाइड्रोजन में मैंने पहले आपको बताया कि एक प्ले... प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे आपको एटम में एक ही एक इलेक्ट्रॉन ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसी तरह ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट में सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक एट इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट बनते हैं कि हाइड्रोजन में जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है जबकि ऑक्सीजन में आठ इलेक्ट्रॉन और आठ ही प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं आ, किसी भी उस पर क्लियर है यहाँ पे आपको